एक रन। यस पैसा निकालो पैसा। अभी तक सुनते थे दोस्त दोस्त का ना रहा, आज देख भी लिया कि भाई भाई का ना रहा। पैसा निकालो पैसा। अरे चिट्टू, अरे सुन तो चिट्टू, चिट्टू। अरे यार चिट्टू, अबे मेरे भाई, मैंने तुझे जानबूझ के आउट थोड़ी ना किया था यार। अबे सुन तो मेरी बात यार, मैंने जानबूझ के आउट किया था क्या? तो क्या गोद में बैठा लोगे क्या? अबे तुझे तो मतलब प्यार और मोहब्बत की भाषा समझ में नहीं। मम्मी, मम्मी को क्या बता रहा? अभी अंतिमा प्यार से कुछ बोले तो तुरंत है अभी मम्मी। चिट्टू सिद्धू आके अपनी अपनी चाय ले जाओ, खाने के टाइम पे चाय नहीं मिलेगी। अरे हमारे भी चाय दे देना, आज बैंक में बहुत भीड़ थी, एक को चाय नसीब नहीं हुई आज। इसीलिए कहते हैं घर से खाली पेट नहीं निकलना चाहिए। आज छनी हुई चाय को ना पीकर ना तुमने उसका अपमान किया, वही चाय की बदुआ लग गई होगी। बहू हमको आज चाय देना भूल गई का? अरे चिट्टू बेटा, मम्मी से कह दो हमारे लिए सब्जी नहीं बनाएगी। चिट्टू सुन क्यों नहीं रहे हो, आके बाबा को चाय दो। बाबा चाय, और कुछ लेंगे आप? अब इस उम्र में का ही लेंगे। क्या मतलब? अरे बेटा मतलब अब बुढ़ापे में का लेंगे है? कोई पूछता नहीं है का खाओगे क्या पियोगे, अब चाय सूखी दे दी जाती है। लाओ चाय, छोड़ छोड़। अरे चिट्टू बेटा, मम्मी से कह दो हम लिए सब्जी बना ही लें। क्या यार बाबा, पहले मना करते हो फिर कहते हो बना लेना। अच्छा बेटा, अब बाबा भी यार हो गए? अरे पापा, ये तो फिर भी बाबा हैं। ये अपनी क्लास टीचर जानते हैं, संध्या मैडम, उन तक को यार बोल के आए हैं। है बे? और हमारे क्लास में निमंत्रण भेजा गया था इनकी वजह से, इनकी क्लास से। क्या है यार भैया, पहले तो वहाँ 20 रुपये निकालो, तुमको दिए थे हजमोला खाने को, खा लिए करो, कम से कम बात तो हजम हो जाया करे। चाय नाली में फेंके दे रहे हैं, डायरेक्ट खाना ही खाना तुम लोग। देखो तुम सबसे छोटे हो, जाओ चाय तुम लेकर आओ। पता नहीं क्या बच्चे करने भी कंजूसी, हमारे पास बच्चा और कर लिया होता कम से कम हमको भी काम करना पड़ता। देख रहे हैं बदतमीजी पापा। अबे चिट्टू, चिट्टू ये बता यार, इस बार तेरी भाभी को क्या गिफ्ट दूं? चिट्टू, अरे यार, वैसे मैं ये कह रहा था कि आज यार ब्लू टी शर्ट में ना अंतिमा कितनी प्यारी लग रही थी यार। आपने हमारे चांद को कहाँ देख लिया? चल हट बे उधर, अभी तक मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी तेरे। आप मेरे साथ रिसर्च सुधारने के लिए जो खेल रहे हैं ना, सब जानता हूँ। हाँ हाँ, खेल का मैदान बहुत छोटा है ना जो मैं तेरे साथ खेलूंगा। पापा की जेब से निकाल के लेके आया हूँ, एक गेम एक्स्ट्रा खेलने को दूंगा, बताइए। अच्छा अच्छा सुन, आज जब मैं अंडे खाने गया था ना, तब देखा था उसको, घर की तरफ जा रही थी। लाभ दे, एक गेम खेलने के बाद दूंगा। अरे कल सेकेंड सैटरडे है तो बैंक ऑफ है, बाकी का काम कल कर लीजिएगा, अब लेट भी जाइए। अरे हम तुमसे कब कहते कि खाना बनाते बनाते लेट जाओ, जैसे तुम्हारा काम है वैसे हमारा भी काम होता है, अब काम खत्म करना भी जरूरी होता है। पूरी बैंक का काम तुमको दे दिया जाता है क्या? अब तो बीत जाते हैं कोई बातचीत ही नहीं होती है। अरे यार बैंक का काम ही ऐसा होता है, छोड़ भी तो नहीं सकते। बताओ क्या कह रही हो, हम सुन रहे हैं। रक्षाबंधन आने वाला है, दोनों लड़कियों को क्या पैसे ही देंगे या कुछ लाओगे?
अरे तुम एक काम करो, सिद्धू के साथ मार्केट चले जाना, देख लेना जो लेना हो। पैसे बचत खाते से निकाल लेना। मैं कोई बिजनेसमैन तो हूं नहीं जो सूट कैसे पैसे लग चलता हूँ। इसीलिए ना मैं तुम्हारे काम के बीच में ना कोई बात नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि तुम हर सवाल का जवाब उल्टा देते हो। अरे यार भैया, अब दो गेम हो चुके, मेरी बारी, चलो सो। पापा ने क्रिकेट खेलने से मना कर दिया यार। पापा ने कब? कल शाम को, वो एक टेस्ट में मार्क्स कम आ गए ना। अरे यार, पापा की फिटनेस देखी है, ढोलक देखा है। वो खेल नहीं सकते इस उम्र में, तो सोचते हैं लड़के भी ना खेले। अरे सिद्धू बेटा, जाके दुकान से पुड़िया ले आओ। बाबा बुधरी तो गए थे अभी। गए तो थे पुड़िया लेने, पर वहां अनामिका के बाबा मिल गए, वो पुड़िया बना रहे थे, हमको दे दिए, हम खा लिए। बाबा, अनामिका के बाबा से मिले आप? तो क्या बात की उनसे आपने? हैं? तुम्हारी शादी की बात नहीं करेंगे, इधर देख लो। बहुत शरारती हो गए तुम दोनों। क्या पापा? अरे तुम कहां से आ रहे हो? अरे हम गए थे बाल कटवाने के लिए, तो नगुआ दुकानें बंद किए पड़ा था। तुम सब लोग बाहर काहे खड़े हो? काम मम्मी सबको साथे बाहर कर दी का? अरे नहीं, वो आज पोछा कार्यक्रम चल रहा है। अरे त्यार, ऐसे कौन पोछा लगाता लोगों को घर के बाहर करके? अरे हम तो भी कोचिंग से आए पापा, जब देखे तो पोछा लग चुका था, अभी चक्कर में बाहर खड़े करा दी गए हम लोग। तुम यहाँ काहे खड़े हो? जाके पुड़िया लेके आओ। पुड़िया? अरे पापा, बाबा के लिए। अच्छा सुनो, तुम जाओ पुड़िया लेके आओ। आओ चल के देखते हैं, आगे आगे हम हैं। बताई दे रहे हैं, टांगे बाहर ही रहे जब तक ये पोछा सूख ना जाए। ए यार, ये मम्मी पता नहीं कौन सी अंदर नदियां बहा रही हैं कि पोछा मार रही हैं, जो अभी तक सूखा ही नहीं है। सूख जाने दो, सूख जाने दो, फिर चलते हैं। हमको लेट हो रहा है, हमको क्रिकेट खेलने जाना है पापा। क्रिकेट जाना है खेलने? हाँ। लाओ फिर ये हमें दे दो, हम पढ़ने चले जाते हैं और क्या। छोड़ी छोड़ी, आपको सीधे मुंह बात ही नहीं करनी होती हमसे। अरे अंतिमा। अरे हाय। हाय। परसों तुम्हारे घर गए थे तो आंटी कह रही थी तुम कोचिंग ज्वाइन कर लियो कोई। हाँ, वो सिद्धू कहे थे कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन करने के लिए। ओ, गुपचुप गुपचुप फ्यूचर प्लानिंग चल रही है। अच्छा ये बताओ, तुम इनके लिए राखी ले आई? इनके लिए? अरे यार अब तुम ना छेड़ो, हमको लगता है इस बार चिट्टू की कलाई सूनी ही रह जाएगी। क्यों नहीं जाना है मम्मी कोचिंग? अरे क्यों नहीं जाना है, वही तो पूछ रही हूँ। अपने मुंह से अपनी तारीफ क्या करें मम्मी, वो जो मेरी इंग्लिश की टीचर है ना, वो कहती है तुम्हारी इंग्लिश बहुत अच्छी है। अब आप ही बताइए, मुझे कोचिंग करने की क्या जरूरत है भला। ये अवेयर के साथ कौन सी प्रीपोजिशन लगती है बेटा? कितने बजे जाना है मम्मी? 5 बजे की बात हुई है। सुनो, ऑफ लगता है अवेयर के साथ? वो नीलकटर कहाँ रखी हो? अरे जहाँ रखी जाती है वही होगी, जाके ढूंढो। और हाँ, ये ना, ये तुम्हारा ऑफिस नहीं है कि प्यून, ये फाइल नहीं मिल रही है, वो फाइल नहीं मिल रही है। अरे यार तुम इतना क्यों गुस्सा होती हो? बच्चों से कौन खोज के दे देंगे? बच्चे नहीं ढूंढेंगे, आप खुद जाके ढूंढिए और उन दोनों को पढ़ाई करने दीजिए। और वैसे भी चिट्टू के सर पे एग्जाम है 12वीं का, कभी पढ़ाई लिखाई के बारे में भी पूछ लिया करिए। अरे यार हम नेल कटर के बारे में पूछ रहे थे और कुछ नहीं, पता नहीं क्या सुबह सुबह से बड़बड़ शुरू हो जाते हैं। बस यही करो तुम, रखो फोन, रखो नीचे। एक टेप में ना तुम्हारे सर से एग्जाम से रखकर नीचे गिर जाएगा। अभी सांप मार दिया आपने मेरे पापा।
अरे यार पापा आप भी ना लाइए। अरे नाखून काटने दे। अरे हम कब से नेल कटर ढूंढ रहे हैं आप लिए, यहाँ बैठे हो। अरे वो आज इतवार था ना तो हम सोचे नाखून काट लें। आपके लिए क्या इतवार क्या सोमवार है, दिन भर तो आपको यही रहना है, कभी भी काट लो, लाओ में लाओ। अरे पापा ये इस उम्र में किसका काटने कूटने की बात चल रही है। अब इस उम्र में क्या ही काटेंगे बेटा। ए चिट्टू ये कॉपी किताब लेके हमारे सामने नाच के मत दिखाओ हमको, समझ रहे हो, जाओ बैठ पढ़ो चलो। पापा यार सुनो, बारहवीं में अगर फेल हो गए ना तो सीधा गांव ट्रैक्टर लेकर जाओगे। हाँ पापा, अब मनोज कुमार शर्मा जी भी तो बारहवीं फेल थे, उनके पिताजी ने कितना सपोर्ट किया उनका, और एक आप हैं अखिल। और सुनो रक्षाबंधन वाले दिन अपने कमरे से बाहर नहीं निकल पाओगे। हाँ और ये सिद्धू कहाँ गया दिन भर से, अखिल इसने मेरा नाम लिया ना केशव। ए चिट्टो केशव यार दिन भर से आज हम लोग बाहर हैं, घर पे क्या बता के आए थे। देखो जब तुम मेरे साथ रहा करो कभी कदार तो मौका मिलता हमें मिलने का, एक दिन एटलीस्ट घर की सारी टेंशन छोड़ के मुझे समय दिया करो प्लीज। लेकिन हम लोग पूरा दिन हो गया है इसीलिए बस मैं पूछ रही थी, नाराज ना हो। अच्छा सुनो मैंने बता दिया है कि हम लोग के जो एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही है सभी सब्जेक्ट्स की, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है ठीक है। और वो छोटंकू तुम्हारे भाई को भी नहीं पता। अरे यार तुम उसकी क्यों टेंशन ले रही हो, उसको पता हो ना पता हो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मैं देख लूंगा ना, क्यों परेशान हो। उसके लिए बुरा लगता है यार, इस रक्षाबंधन उसकी कलाई सोनी रह जाएगी। क्या इस बार तुम घर नहीं आने वाली हो क्या रक्षाबंधन पे। अरे बताया तो था कि इस रक्षाबंधन के अगले दिन मौसी जी के बेटे का तिलक है, परसों रक्षाबंधन है और नरसों तिलक। फिर वापसी कभी तुम्हारी? तिलक के अगले दिन ही आ जाऊंगी। अरे यार बेबी तीन दिन में कैसे रहूंगा तुम्हें देखे बिना, कभी तो एटलीस्ट मेरे बारे में सोच लिया करो। बस तीन दिन की बात है ना बाबू, आ जाऊंगी तीन दिन में, मैं वापस आ जाएंगे। अच्छा वो सब छोड़ो मेरी बात ध्यान से सुनो, सुनो वहां पे जब जाओगी बिल्कुल भी ज्यादा बन ठन के मत जाना ठीक है। मैं बता रहा हूँ कसम से बिल्कुल भी बंधन के मत निकलना, क्योंकि तुम जानती हो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा अगर कोई तुम्हें देखेगा तो ठीक है। हाँ बाबा अब चलें। अरे यार इतनी जल्दी क्या है, बैठो अभी तो अंधेरा भी नहीं हुआ है यार, कभी तो वक्त दिया करो मुझे। अंधेरा होने में वक्त ही कितना है, हम सुबह से बाहर हैं। चलो अब मेरे कहने से तो तुम रुकने वाली हो नहीं, चलो आओ। पार्क में अनामिका दीदी के साथ हाथ में हाथ डाले बैठे थे, ऐसा पड़ोस के गुप्ता जी ने पापा को बताया था। अरे उसकी खुद की लड़की भाग गई है, जाओ तुम लोग सब अपना अपना काम करो, जाओ। कमरे में आओ मेरे। अखिल एक गिलास पानी लाओ। बाबा को पानी देकर फिर कमरे में आओ। अखिल बाबा ठंडा पानी लाना है। अखिल पानी लाओ। पता नहीं बाप का फर्ज निभाने का मौका कब मिलेगा, जब तक मिलेगा ये सब बड़े हो जाएंगे फिर तो मेरी सुनेंगे नहीं ना ये लोग। आज तो बच गए गुरु। प्रेम में कितनी ताकत होती है ना। हाँ ताकत तो होती है कि अगर उसके बारे में घर वालों को ना भी बताना चाहो तब भी घर तक बात पहुंची जाती है, वो अलग बात है। अरे यार गेम खराब हो गया पूरा। अबे पहले मेरी बात सुन। भैया आप मुझसे जबरदस्ती बात करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ना पहले लगता था कि
ये जो लोग किताबें लिखते हैं सब बकवास है। मैं लेखकों को पागल समझता था, लेकिन भाई अब पता चल रहा है प्रेम की ताकत क्या होती है। अबे तू मेरी बात में इंटरेस्ट तो लिया कर, हाँ या ना बोलकर। हाँ तो पता है मेरा भी दिल कर रहा है मैं प्रेम पर एक किताब लिखूं। क्या बात है, हमने किताब में पढ़ा था कि प्रेम पर लिखना प्रेम को पा लेने की ही संरचना का एक हिस्सा है। यानी आपने प्रेम को बहुत करीब से देख लिया है। आज ही देखा, बहुत करीब से। अरे चिट्टू बेटा, मेरा फोन ले गए हो क्या? अरे पापा, वो भैया लिए थे फोन। अरे चिट्टू, सिद्धू, तुम दोनों से कहा था कि बाहर वाले कमरे की बेडशीट बदल दो। मम्मी कब का बदल दी है हमने बेडशीट? अच्छा एक मिनट, बाहर आइए आप जरा। ये बताइए, वो अंतिमा से कुछ बात हुई क्या? कितने बजे तक आएगी राखी बांधने? क्यों, क्या तुम अंतिमा से ही राखी बंधवाओगे? अरे नहीं मम्मी, क्या बात कर रही हैं आप। अब जब बचपन में ही तय हो गया था कि कौन किसको राखी बांधेगा, तो आप उसको मिक्स मत कीजिए। और अब वो सिद्धू भैया को राखी बांध रही हैं, बांधने दीजिए। आप जानती हैं अगर आप ये सब करेंगी ना, तो फिर 2 सोहन पापड़ी के डिब्बों के बदले डबल डबल पैसा जाएगा। हेलो चैतन्य। हाय, तुम कब आई? तुमने हम लोग की बातें तो नहीं सुनी ना? क्यों, चुराई कर रहे थे क्या? नहीं यार। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। हाँ तो। थैंक यू आंटी। वो सिद्धू भैया अभी तैयार नहीं हुए क्या? अपने कमरे में होंगे महाशय। वैसे तुम्हारी अनामिका से कुछ बात हुई क्या? कब तक आएगी वो? मौसी के यहाँ गई है, कह रही थी कजिन का तिलक है। अरे तो इसमें क्या हुआ, अंतिमा बिटिया इस बार चिट्टू को राखी बांध देगी, उसमें क्या है? नमस्ते अंकल। खुश रहो बिटिया, खुश रहो। अरे क्या कह रहे हैं पापा, और चैतन्य भाटी नाम है हमारा, चैतन्य भाटी बोला करिए। बेटा तुम्हारे स्कूल में तुम्हारे क्लास टीचर के अलावा किसी को नाम नहीं मालूम है चैतन्य भाटी। अंकल जी, हमारी मम्मी कहती हैं कि किसी को छोड़ छोड़ के राखी नहीं बांधनी चाहिए। अरे बेटा ये सब पुरानी मान्यताएं हैं, हमारे यहाँ तो सब चलता है। अरे अंकल जी, लेकिन हम एक ही राखी लाए हैं ना सिद्धांत भैया के लिए। ये त्योहार ना बड़ा मुझे डिस्टर्ब करते हैं, हम जा रहे हैं पढ़ाई करने पापा। हाँ हाँ ठीक है, तुम जाओ और अभी जब राखी बंधवाने का टाइम होगा हम तुम्हें बुलवा लेंगे। और सुनो, वो देवदास को भी जरा भेज देना। आओ बेटिया आओ। राखी बांधने भी आ गई, हमसे अभी तक किसी ने छोला के लिए पूछा नहीं। का छोला नहीं बना है का अभी तक? अरे रितु, अरे देखो फ्रिज को एक राखी रखी होगी, उठा लो। चिट्टो की कलाई सुनी रह जाएगी नहीं तो। ए चिट्टो भैया आ जाओ, देखो सिद्धू को राखी बंध गई है, आओ तुम भी आ जाओ बंधवा लो। अरे अंकल छोड़िए, वो हमको देर हो रही है, हमारे कजिन आ गए होंगे ना राखी बंधवाने के लिए। एक मिनट की बात है। ए सिद्धू जाओ उनके कमरे में जाओ, श्री चैतन्य भाटी जी को भेजो यहाँ पर। है अब सब सत्तारी थोड़े बैठे हैं यहाँ पर, जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ। बस पापा, अंतिमा को जाने दीजिए, चिट्टू संडास में बैठा है, कह रहा है कि टाइम लगेगा उसको। टाइम लगेगा क्या? पूरे महीने भर का साथ ही निकाल रहा है क्या? सॉरी बेटा, सॉरी। अंकल जी फिर चलते हैं हम, कह रहे हैं भैया टाइम लगेगा, हमको देर हो रही है। अरे नहीं बेटा, पापा एक मिनट रखिए बस। चिट्टू, ए चिट्टू, चिट्टू, अरे कितना टाइम लगेगा बेटा? पापा अंतिमा को जाने को बोल दीजिए ना। अरे बेटा तुम आ जाओ, देखो कब से तुमको राखी बांधने के लिए खड़ी है बेचारी, हैं? आओ। पापा वो खड़ी है राखी बांधने के लिए, आप उसे जबरदस्ती रोके हैं। अरे यार तुम बातें बहुत बनाते हो,
देखो जो कर रहे हो करके जल्दी से निकलो। हाँ पापा टाइम लगेगा यार मुझे। ए बेटा अंतिमा यहाँ आओ, जरा यहाँ आओ। पापा आप उसे यहाँ क्यों बुला रहे हैं? अरे बेटा देखो जो तुम कर रहे हो करते रहो, अब तुम्हारा एक हाथ तो खाली होगा ना बेटा है? तो दरवाजा थोड़ा सा खोल दो, हाथ बाहर निकाल दो बेटा। अब ये अंतिमा बिटिया आप तुम्हारे हाथ में राखी बांध दे और ये भी फिर अपने घर चली जाएगी। पापा यार नहीं हो पाएगा पापा, यार समझिए ना पापा प्लीज। अरे हो जाएगा बेटा, तुम हाथ तो निकालो पापा प्लीज। पापा प्लीज हाथ निकालो, बाहर निकालो। नहीं हो पाएगा पापा, हम कह रहे हाथ निकालो। शाबाश, बस ऐसे ही। अरे त्योहार और बच्चों का क्या तमाशा बना रखा है चिट्टू के पापा आपने? आप भी ना बैंक में हो तो कस्टमर को परेशान करो और घर में रहो तो बच्चों को परेशान करो। बेटा ये लो शगुन और अब तुम घर जाओ, इनकी बातों में ना पड़ो। नमस्ते अंकल। चलिए पापा। बाल बाल बच गया। इतना बड़ा घर बनवा लिया, एक शीशा नहीं लगवा सकते? इसको ऊपर करिए। अच्छा चलो हो गया, रहने दो। अरे पापा। अरे हो गया चलो, एग्जाम देने जा रहे हो, बॉन्डिंग करने नहीं जा रहे, चलो ऑल द बेस्ट। अरे चिट्टू चाय पी के जाना। नहीं पीनी है चाय। पहले तो बच्चे का मूड ऑफ कर दो सुबह सुबह, फिर ऑल द बेस्ट बोल दो, इससे अच्छा होता है पेपर क्या? अरे यार तुम तो खामखा भड़क रही हो यार। अरे यार हम दोनों में एक अच्छी बॉन्डिंग है, अभी तुम देखना कैसे मेरे कहने पर मेरा बेटा चाय पीने के लिए आता है। चिट्टू बेटे ये ले, सुनो अंतिमा को चॉकलेट खिला देना मेरी तरफ से, समझे? आ चलो चाय पीते हैं, चलो। अगर हम 12th में फेल हो गए तो आप हमको डांटेंगे नहीं और हमको कुछ कहेंगे भी नहीं? चाय पीने को कह रहा हूँ, वरदान मांगने को नहीं कह रहा हूँ, समझे? हम नहीं पीएंगे चाय। लो निकालो पैसे, निकालो पैसे लाओ। जिसकी जेब में पैसे, पैसे उसी के होते हैं। अगर आज चिट्टू खाली पेट गया ना पेपर देने तो आप भी खाली पेट ही जाएंगे बैंक। अरे अरे यार मैं कहाँ नाराज हो रहा हूँ? अरे बेटा तू तो मेरा भी बाप है। ऐसे मत बोला करी, दादी बुरा मान जाएंगी। चल हम नहीं जाएंगे। अरे बेटा चल चल चल, कैसी बात कर, चुटकी क्यों काट रहे? अरे यार कुत्ता नहीं दिखाई पड़ रहा है। पापा कोई कुत्ता दिखे तो उसको ये रोटी दे दीजिएगा। काहे सिद्धू को रोटी नहीं दिखा? उसी की रोटी है। किसकी, सिद्धू की या कुत्ते की? पापा जाहिर सी बात है कुत्ते को तो इतनी इज्जत देंगे नहीं, तो ये रोटी सिद्धू की ही होगी। इस बार तो रानी हम ले जाएंगे। अरे बेटा अभी तुम छोटे हो, रानी पहले इधर आएगी, ये क्यों भूलते हो? इस घर के बादशाह हूं मैं, समझे? जैसे पीता पहले यही काटेंगे। कोई बात नहीं, ऐसा ना बेटा ये चॉकलेट गुलाब अनामिका अंतिमा और वो जो मेरे पॉकेट से उठकर गायब होते ना, सब पता मेरे को। ये गई रानी, अब जाएगा कवर। बड़े आए यार। ओके बादशाह। पापा अब गेम खेलना, आप गेम पे फोकस कीजिए, हमको डिस्टर्ब होता है। देख रहे हैं पापा गेम खेलते हुए इनको सारा डिस्टरबेंस होता है, हैं?
और पढ़ाई के वक्त पढ़ाई करनी हो तब इनको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। तुम क्या कम हो है? बड़े सब एक से बढ़कर एक है। अरे यार हमें खेलना ही नहीं है आप लोग के साथ। तो बताइए क्या मोहल्ले में किसी झगड़ा वगड़ा हुआ क्या? नहीं मिला चिट्टू, पूरा का पूरा मोहल्ला छान डाला, कहीं भी नहीं दिखा। चिट्टू? हाँ पापा। नहीं मिला क्या मतलब? कहाँ गया? सुबह 5 बजे इसे गायब है घर से। आप ऑफिस जाते समय बुलाए थे ना उसको, आवाज दिए थे, कहाँ था वो घर में? सुबह 5 बजे से गायब है और तुम लोगों ने कुछ किया भी नहीं। अरे यार वो कलेजे का टुकड़ा है यार, वो पापा मुझे क्या लगता है ना, आज उसके 12वीं का रिजल्ट आना था तो कहीं वो फेल वेल हो गया होगा, इसी वजह से घर नहीं लौटा है सुबह से, मुझे ये लग रहा है। रिजल्ट आ गया? हाँ मम्मी आज रिजल्ट आना था 12वीं का उसका। कौन कौन मोहल्ले का पास हुआ? अरे ये गुप्तवा का लड़का रहे तो फेल ही हो गया है, और अपना चिट्टू भी तो 12वीं में था तो फेल हो गया होगा पक्का, इसी वजह से घर नहीं लौटा है। अंतिम बात हुई तुम्हारी? मम्मी ने फोन किया था, शायद आती ही होगी। बात हुई थी तुम्हारी उससे? फोन करो, फोन करो एक बार उसको। नमस्ते अंकल। नमस्ते। नमस्ते बेटा। नमस्ते। अरे वो चिट्टू से तुम्हारी आज बात हुई थी क्या? क्या रहा उसका रिजल्ट बेटा? अंकल चिट्टू से तो आज बात नहीं हुई, हम रिजल्ट जानने के लिए आए थे इधर लेकिन कोई मिला ही नहीं। अरे वो तुम्हारा छोटा भाई है, अबे तुमको तो उसका ख्याल रखना चाहिए था। एडमिट कार्ड उसका नहीं रखे होगे कि रिजल्ट उसका पता कर ले? पापा लेकिन क्या? लेकिन पापा परीक्षा के परिणाम के विषय में बात किया था तुमसे कभी? हाँ बाबा जी, एक बार बहुत उदासी मन से कह रहा था कि अगर हम 12वीं में फेल हो गए तो सुसाइड कर लेंगे, कह रहा था कम से कम घर वालों को सुबह शाम मेरा असफल चेहरा तो नहीं देखना पड़ेगा। अरे यार ये 12वीं फेल होने से कौन असफल होता है यार? अरे IPS मनोज शर्मा जी भी तो 12वीं फेल हो गए थे, नहीं पढ़ने मन लग रहा था हमसे एक बार कह देता। अरे काले में रुपया पैसा कमा रहे, करा देते कोई धंधा बिजनेस पानी सब करा देते हम। भगवान मेरी किस्मत किस घड़ी में लिखे थे तुम? आंटी परेशान मत होइए, हम लोग समझाए थे, आप रोइए मत। अखिल फोन में नंबर मिलाओ। बाबा लेकिन चिट्टू के पास फोन ही कहाँ है? हमारे एक दोस्त दरोगा हुआ करते थे, उनका नंबर है। हाँ बोलिए। 150459। अरे बाबा ये तो 9 ही अंक हुए। बेटा फिर तो नंबर नहीं याद आ रहा। सिद्धू चल थाने में FIR कराते हैं फिर ढूंढते हैं उसको। कहा था सुबह से, तुझे मालूम हम सब कितना परेशान थे तेरे लिए? 12th का रिजल्ट आया पापा आज। अरे बाहर भी जाए 12th का रिजल्ट। बेटा जिंदगी की परीक्षा पास करना ही जरूरी होता है, और आज
आज तो 12वीं फेल होने के बाद भी हिम्मत करके जिंदा घर वापस आ गया है, ये तेरी असली परीक्षा है। क्या बोल रहे पापा? अरे ये छोड़, ये बता तेरे रिजल्ट का क्या हुआ? भैया अपने स्कूल का टॉपर हूँ 12वीं में। क्या बात कर रहा है? पाओ पकड़िए। अरे यार बहुत बहुत बधाई हो, और अगर ये सच है तो ये बता पूरे दिन कहाँ गायब था तू? वो आप लोग ने मेरा मजाक बनाकर हमको हमेशा डीमोटिवेट किया करते थे, तो आज हमें ना अपनी स्ट्रेंथ का पता चला, तो मैं भी एकांत जगह पर बैठकर अपने भविष्य के बारे में सोचने लगा था, और सोचते सोचते कब अंधेरा हो गया पता ही नहीं चला। हाय मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया और मुझे पता ही नहीं चला। बाबा आशीर्वाद दीजिए। गिलास पकड़ो। खूब तरक्की करो बेटा। ये सब तुम्हारे ऑल द बेस्ट कहने का नतीजा है अंतिमा। वाह बेटा वाह, मतलब हमारा कोई योगदान ही नहीं, सब ऑल द बेस्ट। अरे पापा। अच्छा चल ये बता, सच से बता ना, ये नकल मार के तूने परीक्षा टॉप की है ना? हैं? अब ज्यादा हो रहा है भैया। अरे चल इधर। पापा वो जो अभी आप चिट्टू के लिए बात कर रहे थे ना, वो धंधे पानी बिजनेस वगैरह की, तो मैं ये कह रहा था कि यार पढ़ाई में कुछ खास मन लगता नहीं है मेरा बिल्कुल। अच्छा इधर बेटा, इधर इधर ये पकड़ तो, ये पकड़। वो सिर्फ चिट्टू के लिए था ऑप्शन। ले बेटा एक फैमिली फोटो खींच ले। पापा भैया एक जरा हम सबकी फैमिली फोटो निकाल दीजिए। फैमिली तो अबे अनामिका और हम सब फैमिली में भी फैमिली में ही तो आते हैं। अरे हम खींचे फोटो है? अरे हेड ऑफ फैमिली हम हैं। और क्या भाई, अरे पापा ये कह रहे हैं कि भाई ये कैसे फोटो खींचेंगे, ये तो हेड ऑफ फैमिली है। ले तू सेल्फी ले, चल आ जा बच्चों, आ जा आ जा, इधर आ जा, मत